हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर इन द न्यू चैप्टर। आज हम लोग अभी से लेके 4 क्लास तक हम लोग बात करेंगे सिर्फ डायरेक्टर्स का, ओनली एंड ओनली डायरेक्टर्स। सेक्शन नंबर 149 से लेके पूरा पूरी जितना सीरीज ऑफ सेक्शन नंबर 176 तक जितना हो सकता है। अगर आपने पहला 6 क्लास का वीडियोस नहीं देखा है, इट्स अ रिक्वेस्ट, जाके पहला 6 क्लास का वीडियोस देखना, उसके बाद ये 7th क्लास करना। मोदी अन्ना दिखा। देखो बच्चों, वहां पे फेयर लिखा हुआ है, सबसे पहले समझ लो डायरेक्टर। हम लोगों ने भैया डेफिनेशन सेक्शन पढ़ा है सेक्शन नंबर 149 में, लास्ट वीडियो में आप बताए थे 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके पहले आप बताए थे वोमन डायरेक्टर, आप बताए थे रेसिडेंट डायरेक्टर। बेटा हु कैन बिकम अ डायरेक्टर, मोदी हु कैन बिकम अ डायरेक्टर, भैया फर्स्ट क्लास से याद है, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। वापस बोलो, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम ए डायरेक्टर। ठीक है भैया, ये हमको आता है। अब डायरेक्टर बनने के लिए तुमको दिन लेना पड़ेगा। आज का पहला सेक्शन, टू बिकम ए डायरेक्टर। क्या बोला? बोलो बच्चों, टू बिकम ए डायरेक्टर आपको क्या लेना पड़ेगा? दिन। भैया दिन बोले तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वापस लो बच्चों, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर, अगर कोई बच्चा मेरे चैनल में पहली बार कंपनी लॉ का क्लास देख रहा है, उसको याद दिला देता हूं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। भैया ठीक है, भैया एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। भैया अगर 15 डायरेक्टर से ज्यादा चाहिए तो आपको आर्टिकल्स में ऑथराइज करवाना पड़ेगा। भैया आर्टिकल्स कैसे चेंज होता है? लास्ट वीडियो, वीडियो नंबर 6, भैया स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो बच्चों वापस बोल रहा हूं, ये बेसिक बातें हैं। हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? इंडिविजुअल। पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर 3, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1। एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15। भैया आईटीसी में ना 18 डायरेक्टर हम सुने प्रूफ पॉसिबल है। अगर आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके करते हो तो ये तो था बेसिक पार्ट। अब आते हैं आज एक सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 153 to 159, आज का पहला डायरेक्टर का सेक्शन। पहला बच्चों बोलो, हु कैन बिकम ए डायरेक्टर? इंडिविजुअल। हु कैन बिकम ए डायरेक्टर? इंडिविजुअल। एक पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टर नहीं बन सकता, एक कंपनी दूसरे कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, पर हां बच्चों शेयर होल्डर जरूर बन सकता है। भैया डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वापस बोलो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो बच्चों होता है, देखो मैं बात सुनो, आपके सामने 7 सेक्शन है, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। एकदम चिंता मत करना, एकदम लाइन बाय लाइन याद कराऊंगा। सेक्शन नंबर 153 टू सेक्शन नंबर 159, बस सेक्शन नंबर 153 to 159। देख मेरा बात समझ। अंकित लोहिया एस लिमिटेड का, पब्लिक कंपनी का, एस लिमिटेड का डायरेक्टर बनना चाहता है। पहले तो भैया डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? भैया याद हो गया 2 मिनट में, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम ए डायरेक्टर। वापस बोलो बच्चों, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम ए डायरेक्टर। ठीक है भैया, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम ए डायरेक्टर। तो अगर तुमको डायरेक्टर बनना है तो वो डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? अगर एस लिमिटेड में हमको डायरेक्टर बनना है, हमको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डिन के लिए कहां अप्लाई करना पड़ेगा? कहां अप्लाई करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर जो ऑपरेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला सेक्शन है 153 में बोल रहा है, टू बिकम ए डायरेक्टर यू नीड टू ऑप्ट डिन। टू बिकम ए डायरेक्टर आपको डिन लेना पड़ेगा, कौन सी ऑथोरिटी से? भैया सेंट्रल गवर्नमेंट।
कौन सी अथॉरिटी से? सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया मुंह उठा के चले जाए, नॉक 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 हमको भाई दिन देना, ऐसे नहीं होता है। आपको एक फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा, DIR3। क्या बोला हो बच्चों? DIR3। तो पहला पॉइंट वापस हेमंत मेरे तरफ विवेक, हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? इंडिविजुअल। हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? इंडिविजुअल। टू बिकम अ डायरेक्टर यू नीड टू ऑप्ट डिन। अगर डायरेक्टर बनना है आपको क्या लेना पड़ेगा? डिन। कहां लेते हैं डिन? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन सा फॉर्म नंबर? DIR3। भैया लास्ट तक आप सुना रहे थे INC। बेटा वो चैप्टर का नाम था इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, आज अलग से चैप्टर है डायरेक्टर्स। तो DIR डायरेक्टर, सॉरी DIR3। कहां अप्लाई करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहां अप्लाई करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। भैया ठीक है 153 हम समझ गए। 154 बच्चों तुम इंडिविजुअल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिन अलॉट करेगा। ओहो, पहले अप्लाई किए अब अलॉट हो रहा है। हम अप्लाई किए DIR3 में सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट सुस्त मुर्गा की तरह तो काम नहीं करेगा ना? नहीं बेटा, अब बहुत इजी प्रोसीड्यर कर दिया मोदी सरकार आने के बाद, बहुत इजी। विद इन 30 डेज अब जब अप्लाई करोगे, देख लो बोर्ड से हट जा रहा हूं, देख लो जब आप अप्लाई करोगे उसके 30 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर वापस लो बच्चों? 30 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर बोलो बच्चों? भैया 30 डेज के अंदर आपको डिन क्या हो जाएगा? अलॉट। तो बच्चों CS वाले बच्चों ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से सेमेस्टर वाले बच्चों, सबसे पहले एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया मेरे को डिन चाहिए, कि भैया मेरे को डिन चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? विद इन 30 डेज हमें रिप्लाई करता है कि भैया डिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देगा कि नहीं देगा। सेक्शन नंबर 155, हम इंडियन सिटीजन को आदत है दो दो आधार कार्ड, दो दो वोटर आईडी कार्ड, दस दस पैन कार्ड लेके घूमने का। सेक्शन नंबर 155 में बोला बच्चों एक बंदे के पास एक ही डिन होना चाहिए। मेरे को मिस्टर दीपक बोलता है भैया हमको ना अपना पुराना डिन ना चेंज करवाना है। डिन क्या करवाना है? चेंज करवाना है। बेटा तुम दिन चेंज करवा सकते हो पर एट ए टाइम तुम दो दिन होल्ड नहीं कर सकते हो। वापस बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा किस चीज के लिए? भैया दिन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में जवाब देगा? भैया विद इन 30 डेज। पर अगर तेरे पास ऑलरेडी दिन है तुम वापस दिन के लिए अप्लाई अप्लाई नहीं करोगे। एट ए टाइम आपके पास एक ही डिन होना चाहिए भाई, यार ठीक है विद इन 30 डेज। सेक्शन 155 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन। मोदी ने दिखा प्रोहिबिशन, क्या बोला बोलो बच्चों? प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग टू डिन एट ए टाइम, दो दिन एक साथ होल्ड नहीं कर सकते हो। भैया अगर दिन चेंज करवाना फॉर्म नंबर DIR3B। भैया ठीक है, तो क्या बोला बोलो वापस? तीन सेक्शन 153 भैया अप्लाई, 154 भैया अलॉट, 155 प्रोहिबिशन। वापस बोलो, बोलो मोदी बोलो, 153 अप्लाई, 154 अलॉट, 155 प्रोहिबिशन। एक बंदा एक दिन, एक बंदा दो दिन, चलवे ना ठीक है भैया। अब बच्चों 156 एकदम आराम से क्या हुआ? हम इंडिविजुअल, मेरे को डिन मिल गया, हम इंडिविजुअल, मेरे को डिन मिल गया हम क्या करेंगे? इस दिन को कंपनी को, किसको बोलो मेरे बच्चों? कंपनी को इंटीमेट करेंगे कि भैया मेरे को दिन मिल गया है। विद इन, जब आपको दिन मिला उसके एक महीना के अंदर। वापस बोल रहा हूं बच्चों,
इंडिविजुअल डायरेक्टर जिसको डिन मिला वो कंपनी को खबर देगा, इंडिविजुअल डायरेक्टर जिसको डिन मिला वो कंपनी को खबर देगा कि भैया अब हम डायरेक्टर बनने के लिए पूरे जवानी में आ गए हैं, पूरे जोश में आ गए हैं, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, डिन है। क्या है मेरे पास? डिन है। किसको इन्फॉर्म करेगा? कंपनी को। ठीक है भैया, विद इन 30 डेज या विद इन 1 मंथ भैया, ठीक है। ये हो गया किसका भैया? 156। 157 बच्चों क्या बोलता है? कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कि ये इंडिविजुअल अंकित लोहिया मेरा डायरेक्टर बना है। प्रोसेस को देख, प्रोसेस को। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट गए, अप्लाई किए, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास आया, तुम कंपनी के पास गए, कंपनी आरओसी के पास आया, वापस तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको रिप्लाई किया, तुम कंपनी को डिन दिए, कंपनी आरओसी को डिन देगा, डिन का कॉपी देगा विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज जब कंपनी को पता चला कि वो फलाना डायरेक्टर हमको डिन दिया है, उसके 15 दिन के अंदर नहीं किए, गलती हो गया, एक कंपनी तेरे से गलती हो गया, ए ऑफिसर तेरे से गलती हो गया। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कंपनी से या ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 1 लाख, मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 1 लाख। वापस बच्चों, 153 में हमने क्या किया? अप्लाई। 154 में क्या हुआ? अलॉट। 155 में क्या हुआ? प्रोहिबिशन। एन इंडिविजुअल कैन नॉट होल्ड 2 DIN नंबर एट ए टाइम इन इट्स ओन नेम। एक बंदा एक DIN, एक बंदा एक DIN। हु कैन अप्लाई फॉर ए DIN? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। भैया ठीक है, धन धन धन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। फिर कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगा? आरओसी को विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज बोलो मेरे बच्चों, विद इन 15 डेज। 158 में क्या बोला है? ए डायरेक्टर, तुम जिस जिस एनुअल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रिटर्न, सॉरी, कोई भी रिटर्न का कॉपी में अगर तुम अपना नाम सिग्नेचर कर रहे हो, वहां पे डिन नंबर कोड जरूर करना। कोई भी कॉपी में, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई भी माइन्यूट्स में, कोई भी जनरल मीटिंग का नोटिस में अगर डायरेक्टर कोई प्रकार का अपना साइन कर रहा है, अपना नाम लिख रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? डायरेक्टर का डिन नंबर कोड होना चाहिए। डायरेक्टर क्या होना चाहिए? डिन नंबर कोड होना, सॉरी, डायरेक्टर का डिन नंबर कोड होना चाहिए। ये कहां लिखा बच्चों? सेक्शन नंबर 158। वापस बोलो, सेक्शन नंबर 158 भैया। वापस 153 में अप्लाई, 154 में अलॉट, 155 में प्रोहिबिशन, 156 में डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कंपनी को, 157 में कंपनी इन्फॉर्म करेगा आरओसी को। अगर डायरेक्टर इन्फॉर्म करता है तो विद इन 1 मंथ, कंपनी इन्फॉर्म करता आरओसी को तो विद इन 15 डेज। 158 में भैया जहां जहां पर डायरेक्टर का नाम लिखा रहेगा, वहां वहां पे क्या रहेगा? हम लोग का डिन नंबर कोड किया रहेगा। क्या रहेगा? डिन नंबर कोड किया रहेगा। क्या रहेगा? डिन नंबर कोड किया रहेगा। और 159 पनिशमेंट या पेनल्टी सेक्शन, डायरेक्टर अगर तूने 152 में गलती किया, भैया 152 अभी पढ़ेंगे बच्चों, अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेश कैंडिडेट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, या फिर तूने कंपनी को इन्फॉर्म करने में कुछ गलती किया, सेक्शन नंबर 156, सेक्शन नंबर 156, या फिर डायरेक्टर तुम एक बार में 2 DIN होल्ड किया, 155, तेरे पर फाइन लग जाएगा 50,000 तक का। और अगर रोज रोज बार बार गलती किया तो 500 रुपया पर डे। तो बच्चों वापस बोल रहा हूं, हर बार तुम्हारे एग्जाम में आता, हर बार कि डायरेक्टर का इंट्रो, मुझे नीचे तक दिखा, अंडा तक दिखा, हाँ, हर बार इंट्रो आता है, हु कैन बिकम ए डायरेक्टर? इंडिविजुअल। तो बिकम ए डायरेक्टर क्या चाहिए? डिन चाहिए। कहां से लेते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीए का पोर्टल पर मिल जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद दादा, उसके बाद
सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा फॉर्म से भरते हैं? DIR3। बोलो 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 बेटा बोलो, DIR3। वापस बोलो, DIR3। भैया ठीक है, आगे आगे बढ़ो भैया आगे। 154 में हम लोग क्या करते हैं भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रिप्लाई करता है कि भैया तुम्हारा ये डिन नंबर है विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। 155 में प्रोहिबिशन। 156 में तुम इन्फॉर्म करोगे डायरेक्टर किसको, कंपनी को। 157 में कंपनी इन्फॉर्म करेगा किसको, ROC को। कोई बच्चा का समझने में गलती कर रहा तो देख बेटा देख, इधर इधर डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कंपनी को, कंपनी इन्फॉर्म करेगा ROC को, डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कंपनी को 30 डेज के अंदर, कंपनी इन्फॉर्म करेगा ROC को 15 डेज के अंदर, डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कंपनी को 156, कंपनी इन्फॉर्म करेगा ROC को 157। भैया अब समझ में आया तो हो बच्चों, एकदम अच्छा से पूरा समरी बना दिया। हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ठीक है भैया। और भैया फाइन 25,000 से 1,00,000 तक का फाइन है कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कहा लिखा है 157 में। और 159 पेनल्टी सेक्शन, अगर तूने कोई अपॉइंटमेंट में भी समझेंगे हाउ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, अगर तूने अपॉइंटमेंट में कुछ गलती किया तो डायरेक्टर पे फाइन है 50,000 रुपए तक का और 500 रुपए पर डे। बच्चों आर यू थ्रू विद दिस? एकदम क्लियर समझ में आया? ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लेना, अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, मिटा रहा हूं। ठीक है, हाँ भैया। अब बच्चों आते हैं जनरल बातों पे, एकदम जनरल बातों पे, एकदम जनरल बातों पे। देख बेटा, हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? भैया बहुत बार बोल दिया, मत बोलो उल्टी हो जाएगा भैया। इंडिविजुअल, हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? इंडिविजुअल। अब डायरेक्टर बनने के लिए ना तुमको कंपनी को कंसेंट देना पड़ेगा DIR2 के अंदर कि भैया हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। कंपनी बोलेगा ये सवा ये पागल तो नहीं है, ये इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ये कहीं जेल तो नहीं गया हुआ 6 महीने से ज्यादा, इसके ऊपर बैन लगा क्या 5 साल का कि नहीं लगा, ये 7 साल से। भैया क्या बोल रहे हो, ये सारा मतलब है DIR8। ये क्या भैया DIR8? डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना? डिस्क्वालिफाइड का सेक्शन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन नंबर 164। एक इंडिविजुअल अपना डिक्लेरेशन देगा कि हम कोई भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं है, हम इंडिविजुअल डायरेक्टर। एक बार में कितना कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं भैया? 20 कंपनीज। हम 20 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है, हम वेकेशन ऑफ ऑफिस में नहीं है। अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो अपना कंसेंट दो कंपनी को DIR2 में और डिक्लेरेशन दो दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, कंसेंट डिक्लेरेशन। बोलो बोलो, कंसेंट डिक्लेरेशन, कंसेंट डिक्लेरेशन। पहले क्या दो, कंसेंट दो कि क्या हम आपकी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं DIR2, GIR2। तब बोलो DIR2 कि तुम कंसेंट दे रहे हो हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और तुम डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो। क्या बोलो, तुम डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो। वापस बोलो, तुम डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो DIR8। और कंपनी क्या करेगा, दोनों डॉक्यूमेंट्स देखेगा और देख कर किसको इन्फॉर्म करेगा, ROC को, और ये DIR2 अटैच कर देगा DIR12 के साथ, अटैच कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। कितने दिन के अंदर बच्चों? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के बच्चों? 30 दिन के अंदर। हु कैन बिकम अ डायरेक्टर? इंडिविजुअल। भाई मुंह उठा करके आज रिलायंस में अंबानी जी बैठे हुए, मेरा इच्छा किया मुंह उठा के कुर्सी लिए उनके सामने के बैठ गए, हम भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पहले कंसेंट देना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म नंबर है मोदी? DIR2। बोल 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 बोल, DIR2। और तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं है DIR8।
और फिर तुम किसको दिया, कंपनी को, कंपनी जांच पड़ताल करके अटैच करेगा अपना डीआईआर 2 किसके साथ, डीआईआर 12 के साथ, और तुमको एक डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का। अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, बोलो बच्चों बोलो, अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो तुमको क्या देना पड़ेगा भैया, आपको डिन देना पड़ेगा, डीडी देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट 1,00,000 रुपए का। भैया अगर उस कंपनी में डायरेक्टर बन गए तो, सपोज करो रिलायंस में हम अप्लाई किए कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं और 1,00,000 रुपया का एप्लीकेशन फॉर्म भी हम भर दिए, अगर तुम डायरेक्टर बन गए पैसा हो जाएगा रिफंड, अगर डायरेक्टर बन गए पैसा हो जाएगा रिफंड। भैया हम डायरेक्टर नहीं बने, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ाए हैं भैया, अड्डा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स डिविडेंड। भैया हम डायरेक्टर नहीं बने, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बने कोई बात नहीं, और भगवान मौका देगा, पर तुम्हारे पास वोटिंग पावर आ गया, तुमको लोग सपोर्ट किए कम से कम 25%, कितने परसेंट, 25% लोगों ने बोला कि हाँ डायरेक्टर बनना चाहिए, डायरेक्टर बनने के लिए कितना चाहिए, मोर देन 50%, मतलब एटलीस्ट 51%। अगर 25% लोगों ने भी अगर एग्री किया है, 25% लोगों ने भी अगर एग्री किया है कि तुम डायरेक्टर बन सकते हो, तुम चाहे इच्छा बन सकते हो, पर तुम नहीं बन पाए तब भी तुमको पैसा लेगा रिफंड। तो बच्चों ये बेसिक चीजें हैं, चाहे तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो नहीं हो, चाहे तुम कोई भी लेवल का पढ़ो, पर कंपनी बनाते टाइम मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, हु इज ए प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट डीआईआर 2 किसको, कंपनी को, कंपनी क्या करता है उसको अटैच करता है डीआईआर 12 के साथ, किसको देता है वो डीआईआर 12, आरओसी को, विद इन 30 days ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, विद इन 30 days ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, विद इन 30 days ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। भैया मन किया और मुंह उठा करके बैठ गए, जाकर के किसके पास भैया, मुंह उठा करके बैठ गए किसके पास, अंबानी जी के पास, नहीं तुमको कंपनी को डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, कितने लाख का भैया, 1,00,000, कितने लाख का बच्चा, 1,00,000, भैया रिफंड होगा, हाँ होगा। अगर तुम क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए, क्या बन गए, डायरेक्टर, या फिर वोट मिला कितना परसेंट, 25%, कितना वोट मिला, 25%। दिस वॉज अवर प्रोसीड्योर ऑफ अपॉइंटिंग एन डायरेक्टर। अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको डीआईआर 2 कंपनी को कंसेंट में देना पड़ेगा 1,00,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट, डीआईआर 8 कि तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, अगर तुम डिस्क्वालिफाइड हो भी तो तुम्हारे ऊपर से डिस्क्वालिफिकेशन हट चुका है तो तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा डीआईआर 10। और तुम डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि तुम अनसाउंड माइंड नहीं हो, तुम एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट नहीं हो, तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो, तुम इम्प्रेजनमेंट 6 महीना से ज्यादा अगर गए हो तो 5 साल ओवर हो चुका है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आओ बच्चों सेक्शन नंबर 152, अब ये सारी बातें कहां लिखी है, सेक्शन नंबर 152 क्या बोलते हैं, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, क्या बोले बोलो, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज नेम्ड इन द आर्टिकल्स, या तो आर्टिकल्स प्रोसेस बताता है या तो आर्टिकल्स में नाम लिखा रहता है। भैया आर्टिकल्स में प्रोसेस भी नहीं बताया और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम भी नहीं लिखा, तो एक वर्ड द डिम्ड, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के प्रोसीड्योर के बारे में साइलेंट है और किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो जो सब्सक्राइबर्स है, इनिशियल मेंबर्स जिन्होंने कंपनी का मेमोरेंडम साइन किया था, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, दे विल बी डिम्ड टू बी एक्टिंग एज ए डायरेक्टर। वापस बोल रहा हूं सेक्शन 152 क्या बोलता है, द फर्स्ट डायरेक्टर नेम शुड बी गिवन इन द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल चुप है तो मैनर बता दे, अगर मैनर भी नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया, द फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल। वापस बोलो बच्चों, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जैसे मोदी अड्डा दिखा, आज एक नया कंपनी बना AL लिमिटेड, अब इसके अंदर मेंबर तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं,
कंपनी भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया, बिल्कुल हो सकता है। मेंबर बनने के लिए, शेयर होल्डर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है इंडिविजुअल होना, डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी है इंडिविजुअल होना। तो एक कंपनी में डायरेक्टर है, अब कंपनी भी सब्सक्राइबर, इंडिविजुअल भी सब्सक्राइबर, कौन डायरेक्टर बन सकता है भैया? ओनली इंडिविजुअल। तो बच्चों ये वाला बात पहला में लिखा है, सेक्शन नंबर ध्यान में लिखा, सेक्शन नंबर 152, क्या बोला? बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 152, वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल चुप है किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम के इंडिविजुअल थे, सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम के इंडिविजुअल थे, उन लोग को हम डीम डायरेक्टर मानेंगे जब तक नया डायरेक्टर नहीं आता। इस ये लिखा सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 1, क्या बोला? बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 1, इफ वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स, बोलो बोलो, वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी एक्टिंग एज अ डायरेक्टर अंटिल एंड अनलेस न्यू डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। ये बात लिखा है, नाम कहा लिखा है डायरेक्टर का भैया? आर्टिकल्स में। भैया आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा, हाँ पर ये बता दिया सब्सक्राइबर अपना डायरेक्टर चुन लो अपने हिसाब से। भैया नाम भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, ओहो तो जो सब्सक्राइबर थे उन लोगों को डायरेक्टर बनना पड़ेगा। 152 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट, कहीं पे कुछ भी लिखा हो, हर डायरेक्टर कंपनी का जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। अब बच्चा पूछता है, व्यूअर्स बोलते हैं, जो बच्चे क्लास दे रहे, भैया जनरल मीटिंग में कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा? अब जनरल मीटिंग में तो दो रेजोल्यूशन आ गया, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो बेटा जब ऐसा लाइन बोल देना कंपनी लॉ के अंदर कि एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, कौन सा रेजोल्यूशन नहीं बोला, सिर्फ बोला इन जनरल मीटिंग, इसका मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वोटिंग पावर शुड बी मोर देन 50%, वोटिंग पावर शुड बी मोर देन 50%, बोले तो भैया एट लीस्ट 51%, बोलो बच्चों एट लीस्ट 51%। अभी अभी हम लोग 153 पढ़ के आए हैं, डायरेक्टर बनने के लिए तो क्या चाहिए? दिन चाहिए, कौन देता? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। भैया पढ़ लिए, हर डायरेक्टर जो बनता है उसको डीन के साथ साथ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अभी पढ़े डिक्लेरेशन, DIR 2 DIR 8 डिक्लेरेशन कंसेंट कि तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। भैया एकदम पढ़ लिए, एकदम मस्त वाला, एकदम अच्छा समझ में आ गया सेक्शन 152। हु कैन बिकम डायरेक्टर? इंडिविजुअल। नाम कहा लिखा था? आर्टिकल्स में। आर्टिकल चुप है, मैनर बता दे कैसे डायरेक्टर बैठा हूं, तुम नाम भी नहीं बताते हो, मैनर भी नहीं बताते हो, क्या करे? तो आंसर इज जो सब्सक्राइबर मेमोरेंडम को साइन किए हैं दे विल बी द डिम्ड डायरेक्टर, दे विल बी द डिम्ड डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के लिए भैया कितना रुपया देना पड़ेगा? 1,00,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट उनको भरना पड़ेगा। भैया रिफंड होगा क्या? अगर डायरेक्टर बन गए तो रिफंड हो जाएगा, डायरेक्टर नहीं भी बने 25% वोटिंग आ गया तो भी। भैया 152 1 2 3 4 बता दीजिए, 152 5 क्या बोलता भैया? अरे अगर तुम NTO हो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या हो तुम? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो तुमको कंसेंट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि NTO में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 का कोई लिमिट नहीं है, NTO में कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम 3, 2, 1 डायरेक्टर होने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 152(5) में यह लिखा हुआ, मोदी अंडा दिखा, 152 1 2 3 4 5 मोदी अंडा। इधर देखना बच्चों, एकदम का भी कदम आराम से, 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7। भैया ये क्या बोलता? पहला पॉइंट तो बच्चों वेरी वेरी हॉट सेक्शन बोलेगा, इंपॉर्टेंट की जगह हॉट वर्ड यूज करेगा, कौन से कंपनियों के लिए है भैया? ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है। होता क्या है इसके अंदर, देखो भाई तुम लोगों को ज्ञान है कि नहीं पता नहीं ज्यादा कंपनी लॉ का, दो तरीके से डायरेक्टर को लाया जाता कंपनी के अंदर। भैया कैसे? एक को तो परमानेंट बेसिस पे, फिक्स टाइम पीरियड बेसिस पे, कि भैया तुम डायरेक्टर हो आ जाओ 5 साल के लिए, मोदी जी जैसे कुर्सी संभालते हैं, आप 5 साल के लिए हमारे कंपनी को संभालो।
एक वो तरीका है और एक होता है टेम्पररी बेसिस रोटेशन। तो 152 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला बोलो बच्चों? रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। वापस बोलो बच्चों, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलता? मेरा बात सुन, मेरा बात सुन, मेरे कंपनियों में ना कितने डायरेक्टर है भैया? 15। अब उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 2। देखो भाई, जिसको पता नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्लास नंबर 6 जाके देख लेना, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ठीक है, और सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन। 15 रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है? हर मीटिंग में इतने डायरेक्टर को रोटेट करके रिटायर करना पड़ेगा। और उन सुनिजा पड़े, सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 अप्लाइज ओनली ऑन पब्लिक कंपनी, अप्लाइज ओनली ऑन पब्लिक कंपनी, अप्लाइज ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। सपोज करो, हाँ, रोटेशन किसका नहीं होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वापस बोलो मोदी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वापस बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब 15 में से 2 इंडिपेंडेंट है भाई, आपके पास 13 डायरेक्टर है, उसमें से 2/3 डायरेक्टर, 13 में 2/3 कितना होता है? 8.33 आई थी, ऐसा ही कुछ होता है, 13 का 2/3 हाँ 8.6। इसका मतलब राउंड ऑफ अपर अंडियो कर दिया 9। मतलब अंकित भैया के पास अगर 15 डायरेक्टर है, रोटेशन में 9 डायरेक्टर आ जाएंगे, कि ये 9 में से आज कोई ना कोई रिटायर करेगा। तो रोटेशन कितने का होगा? 2/3 का। उस 2/3 में 1/3 रिटायर होगा। 1/3 क्या होगा? रिटायर। 9 का 1/3 कितना होता भैया? 3। तो 15 में से हर एजीएम में कितने रिटायर होंगे? 3। बात को समझो बच्चों, 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल बी इन रोटेशन, 1/3 शैल रिटायर। पर कौन रोटेशन में नहीं आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन नहीं आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन नहीं आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन नहीं आएगा? बोलो 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 बोलो, कौन नहीं आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बात को समझो बच्चों, बात की गहराई को थोड़ा समझो। हु कैन बिकम डायरेक्टर? इंडिविजुअल। आ गए, कुर्सी लेके बैठ गए, बस हो गया। कल हम बनेंगे, हम अपने बच्चों को ये कुर्सी देके जाएंगे, असाइन कर देंगे, राजा हो, राजा हो, कि मरते मरते पूरा प्रजा को अपने बच्चों को संभाल के चल लोगे। राजा का जमाना गया। डायरेक्टर बनना है तो तुमको रोटेशन में बैठाएगा, और हर रोटेशन में 2/3 रोटेशनल, 1/3 रिटायर, 2/3 रोटेशनल, 1/3 रिटायर, 2/3 रोटेशनल, 1/3 रिटायर। भैया ऐसा हो सकता है क्या? हर एजीएम में रिटायर हुआ, ठीक है भैया। भैया हम इंडिया में सुने हैं, अब वो 3 कौन होंगे? 3 कौन होंगे? अरे बेटा, इंडिया में क्या रूल अकाउंट्स में अप्लाई होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो कुर्सी पे ज्यादा देर बैठा है, जो पहले आया था, उसको पहले निकाल देंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भैया ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? कंपनी में एजीएम ही नहीं हुआ, ठीक है, सेक्शन नंबर 96 मीटिंग शैल बी एडजर्न सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस बट एट नेक्स्ट वीक। भैया बिल्कुल, भैया एडजर्न मीटिंग में भी नहीं हुआ लोग, तो बेटा उन लोगों को रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। भैया फीफो मेथड ठीक है, एक दिन में एक साथ 2 डायरेक्टर का ज्वाइनिंग, अब किसको निकाले? अब किसको निकाले? तो बेटा उसमें लगेगा लॉटरी सिस्टम। कौन सिस्टम? बोलो लॉटरी सिस्टम। वापस बोलो, क्या बोलो? बोलो लॉटरी सिस्टम। तो वापस बोल रहा हूं, सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 इट अप्लाइज ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। जितने कंपनी के पास डायरेक्टर है, उसके 2/3 ऑफ द डायरेक्टर रोटेशन में बैठेंगे, पर वो 2/3 में कौन काउंट नहीं होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन नहीं काउंट होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2/3 को पूरा रिटायर कर देंगे? नहीं, जितने रोटेशनल बैठे हैं उसका 1/3 शैल रिटायर, उसका 1/3 शैल रिटायर इन एजीएम। भैया एजीएम नहीं हुआ, एजीएम पोस्टपोन कर दो, एडजर्न कर दो, एडजर्न एजीएम भी नहीं हुआ तो वो लोग डिम डिम बैठा दिया जाएगा कि वो लोग डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे। भैया एक दिन में 2 जन का एक साथ ज्वाइनिंग हुआ, लॉटरी सिस्टम, बाय लॉट्स।
दिस वॉज अवर सेक्शन नंबर 152 कंप्लीटली। तो 152 में क्या लिखा है कि अगर तुमको डायरेक्टर बनना है कंपनी को कंसेंट देना पड़ेगा DIR 2 में। तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो कंपनी को डिक्लेरेशन दोगे DIR 8 में। अगर तुम डिस्क्वालिफाइड हुए कोई जमाने में कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर से डिस्क्वालिफिकेशन उठ चुका है DIR 10। डिमांड ड्राफ्ट भरोगे कितने लाख का, 1 लाख का। अगर तुम पब्लिक कंपनी हो क्या चलेगा भैया, रोटेशन एंड रिटायर, रोटेशन एंड रिटायर। बेटा किस पे नहीं लगता रोटेशन रिटायर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक तो क्या अलादीन का चिराग की तरह ढूंढने से हम लोग को मिलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बेचारा कितना मुश्किल से, उसको भी अगर तुम रोटेशन में बैठा दोगे चलेगा। तो जो डायरेक्टर फिक्स टाइम पीरियड के लिए आता है उसका रोटेशन रिटायर से मतलब नहीं है, उसके अलावा अगर आएगा तो रोटेशन, रोटेशन कितने का होगा 2/3, और रिटायर कितने का होगा, जितने रोटेशन में बैठे हैं उसका 1/3 रिटायर होगा, जितने रोटेशन में बैठे हैं उसका 1/3 रिटायर होगा, जितने रोटेशन में बैठे हैं उसका 1/3 रिटायर होगा। मोदी अंडरलाइन आओ। अच्छा अब इसके नीचे ना हमने कुछ लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ राइटर। डायरेक्टर कहां कहां से आता है भैया, सब्सक्राइबर से आता है भैया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आता है, थर्ड पार्टी से आता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नेक्स्ट वीडियो में। देखो बच्चों ऊपर हम लिखते हैं, दिखा मुझे सबसे पहले कौन सा डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। एक बार बच्चों तीन टाइप के डायरेक्टर के बारे में आपको बताता है। पहला एडिशनल, भैया सेक्शन क्या, पहले सेक्शन बोलो, सेक्शन नंबर है 161, ये सब सेक्शन 1, फिर आएगा अल्टरनेट डायरेक्टर 161 सब सेक्शन 2, फिर आएगा आपका नॉमिनी डायरेक्टर 161 सब सेक्शन 3, और लास्ट में आएगा आपका कैजुअल वैकेंसी, कोई मर गया पागल हो गया डायरेक्टर बीच में 161 सब सेक्शन 4, अमेंडमेंट आया उसमें 161 सब 4। एडिशनल डायरेक्टर क्या बोलता है मोदी अंडरधिकार, एडिशनल डायरेक्टर क्या बोलते हैं। अब एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, अब कंपनी में काम भूल के थोड़ी आता है, अचानक से AGM होने के बाद में ना कंपनी के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड पड़ गया बच्चों, भयंकर वाला वर्क प्रेशर आ गया, डायरेक्टर बोलता भैया हम संभाल नहीं पा रहे क्या करें। तो बच्चों अगर तुमको आर्टिकल्स ऑथराइज किया हुआ है, पहला कंडीशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर ऑथराइज किया हुआ है, और दूसरा कंडीशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो एडिशनल डायरेक्टर ला सकता है, अगर कंपनी के अंदर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कंपनी के अंदर वर्कलोड क्या बहुत ज्यादा है। भैया वो आदमी कब तक मीटिंग होल्ड करेगा, अप टू कमिंग AGM, क्योंकि एक बार अगर AGM आ गया, एक बार अगर AGM मोबाइल नीचे पकड़ छोड़ो, अगर एक बार AGM आ गया, अगर एक बार AGM आ गया तो फिर हम लोग ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स लोग अपना डायरेक्टर चुन लेगा। भैया इस सेक्शन को ना बहुत लोग मिसयूज कर सकते हैं, हम बोले बोल बेटा कैसे, भैया सपोज करो आप अंकित लोहिया क्लासेस के डायरेक्टर हो मिस्टर अंकित लोहिया, हम बोले हाँ, राजेश कुमार खुंतिया भी डायरेक्टर, हम बोले बिल्कुल हाँ, अब अरुण लोहिया वांट टू बिकम ए डायरेक्टर, हम बोले ठीक है। अब अरुण लोहिया को मीटिंग में बुलाया गया पर शेयर होल्डर ने उनका अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, हम बोले तो क्या हो गया, भैया आप डायरेक्टर, राजेश भैया डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर हो गई आपकी मम्मी, आप तीन डायरेक्टर। अब आप लोग क्या किए, अरुण भैया को डायरेक्टर बना लिए, क्योंकि डायरेक्टर तो डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, चाहे वो एडिशनल हो चाहे वो अल्टरनेट हो, पावर तो उसके पास है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिस डायरेक्टर का, डायरेक्टर ने जिस इंसान का ओरिजिनल मीटिंग में अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, सुन लो बड़े भाई बोल रहे हो, जिस डायरेक्टर का, जिस इंडिविजुअल का ओरिजिनल मीटिंग में अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो बंदा या वो बंदी एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकती। इसका मतलब अगर तूने ओरिजिनल मीटिंग में, अगर तूने ओरिजिनल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग में तेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और कारण से होल्डर ने अपॉइंट नहीं किया, तो डायरेक्टर्स भी तुमको ला नहीं सकते एज ए एडिशनल डायरेक्टर। तो बच्चों सेक्शन नंबर 161 में क्या लिखा है, एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है, द परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम आर्टिकल्स
कौन ऑथराइज करता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कौन बैठा सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कौन बैठा सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कौन बैठा सकता है? बोलो आत्मा से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है भैया, धन 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 धन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा सकता है. कौन परमिशन देगा? आर्टिकल्स. कौन परमिशन देगा? आर्टिकल्स. कब तक होल्ड करेगा? अप टू कमिंग एजीएम. अप टू कमिंग एजीएम. जब तक कमिंग एजीएम नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर एजीएम हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर अपने आप बैठा लेगा. भैया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया था ओरिजिनल मीटिंग में, साइड से आ रहा है, हमको एडिशनल डायरेक्टर बना लो. बनाएंगे. Once you are rejected in original meeting, you cannot be appointed as an additional director. भैया एकदम धन 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 धन. ठीक है बच्चों, कौन में चला गया? 161 subsection 1. ठीक है भैया, अब आता है बच्चों alternate director. 161 subsection 2. ये क्या बोलता है? ये भी बोलता है तुमको articles authorize करना चाहिए. और सुन ले भाई, ये भी बोलता है तुमको आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए. पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा सकता है. होता क्या बताता हूं मुझे. और आहा, और इसके अंदर एक और है, अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं करा, बोर्ड नहीं बैठा रहा, आप पास कर सकते. ये और ऑप्शन वाला और है, और ये और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. अरे बाबा, हमारा कोई डायरेक्टर है, हमारा कोई डायरेक्टर है वो विदेश गया है. विदेश, हमारा डायरेक्टर कहाँ गया? विदेश गया है, फॉरेन गया है, आउट ऑफ इंडिया. भैया नेपाल, तो नेपाल कौन सा इंडिया में है? आउट ऑफ इंडिया गया है. भैया सिंगापुर गया है, परमानेंट हनीमून पे चला गया. भैया 2 साल का हनीमून मनाने गया. भैया उसका काम कौन देखेगा? तो वो अपना डायरेक्टर बैठा के जाएगा, जिसका मतलब है ऑल्टरनेट डायरेक्टर. क्या बोले बच्चों? ऑल्टरनेट. भैया हमारी वुमन डायरेक्टर है, वो बाहर गई है, तो वोमन की जगह अल्टरनेट डायरेक्टर वोमन ही बैठेगी. भैया हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर गया है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बैठेगा. भैया हमारा आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहा, क्या करें? तो बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, अगर तुम्हारा डायरेक्टर 3 महीना से ज्यादा फॉरेन गया है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया. भैया हमारा उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का था ना, रोटेशन हो रहा था 152 सबसेक्शन 6 में. हमारा वो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर था ना, उसका रिटायरमेंट होने वाला था. जो काम वो ओरिजिनल डायरेक्टर के साथ था, वो काम इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर के साथ भी होगा. ऑल्टरनेट डायरेक्टर, क्या बोला? बोलो बच्चों, ऑल्टरनेट डायरेक्टर. वापस बोल मोदी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर. इफ योर ओरिजिनल डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स. भैया ओरिजिनल डायरेक्टर आया ही नहीं, 5 साल हो गया. एजीएम आ गया भैया, लास्ट एजीएम आ गया 5वां साल, अभी वो नहीं आया. तो बेटा जब जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर को हटना चाहिए था, उस दिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा. क्या बोलो? बोलो बच्चों, अपने आप हट जाएगा. वापस बोलो बच्चों, अपने आप हट जाएगा. भैया एकदम समझ में आ रहा है. ऑल्टरनेट डायरेक्टर में क्या लिखा है? इफ ए डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आर्टिकल ऑथराइज. अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं करता, बोर्ड डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग क्या पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. क्या बोलो? बोलो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. भैया ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ना टाइम एक्सपायर्ड हो गया, खत्म हो गया. अगर उसका काम अच्छा लगा, हम उसको डायरेक्टर की तरह रख सकते हैं, एज ए फ्रेश कैंडिडेचर अपॉइंट करके, एज ए फ्रेश कैंडिडेचर. सेक्शन नंबर 152, सेक्शन नंबर 152. बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 152. ठीक है भैया, एकदम समझ में आ गया. ऑल्टरनेट डायरेक्टर कितना मैनेजर? 3 मैनेजर है. भैया नॉमिनेट डायरेक्टर ये क्या होता है? अरे तुमने कोई इंस्टीट्यूट से लोन लेके रखा, कोई बैंक से लोन लेके रखा, बैंकर वाला, तुम रुपया नहीं चुका पा रहे हो, बैंक क्या बोलेगा? साइड हट, साइड हट. अब हम डायरेक्टर बैठाएंगे और बताएंगे कंपनी कैसे चलेगा. इसमें भी क्या ऑथराइज करना चाहिए? बड़ा 3 लाइन का सेक्शन है, छोटा सा. आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए. कौन ऑथराइज करना चाहिए? आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए. वापस लो, कौन ऑथराइज करना चाहिए? आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए, चाहे इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, बाय एग्रीमेंट. तुमने कोई भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है,
तुमने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, वापस बोलो, तुमने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो तुमको हटा करके किसी और को डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है वो इंस्टीट्यूट, किससे अप्रूवल लेके, आर्टिकल्स ऑथराइज करके। कौन बैठाएगा? बोर्ड। कौन बैठाएगा? बोर्ड। कौन बैठाएगा? बोर्ड। कौन ऑथराइज करेगा? भैया आर्टिकल्स। तो लिख लिख के बच्चों बोर्ड से हट जाता हूं कि तुमको इतना अच्छा से कॉपी कर सको एकदम। और लास्ट सेक्शन कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर मर गया, डायरेक्टर पागल हो गया, हमारा डायरेक्टर सड़क से जा रहा था उसको जाके ठोक दिया, परमानेंट डिसेबल हो गया, हाथ पाव कान नाक सब खो दिया बेचारा, कोमा में चला गया परमानेंट। अब पहले क्या था, 161 सबसेक्शन 4 सिर्फ पब्लिक कंपनी पर लगता था बच्चों, सिर्फ पब्लिक कंपनी पर लगता था, पर अब अमेंडमेंट आया है, चाहे पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, सड़क पर जब डायरेक्टर चलेगा तो क्या लॉरी वाला देख के ठोकेगा, ओहो ये पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर, चलो उड़ा देते हैं, और प्राइवेट कंपनी का नहीं, नहीं नहीं ऐसा क्या, मौत तो चाहे प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हो, मौत तो एक दिन सबको आता है। क्या बोला बच्चों? कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर पागल हो गया, डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो गया, डायरेक्टर क्या हो गया? पागल हो गया, डायरेक्टर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। कैसे लाएंगे डायरेक्टर को? बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, हु शैल होल्ड द ऑफिस, जो होल्ड करेगा ऑफिस टिल कमिंग, टिल कमिंग नहीं, टिल ओरिजिनल डायरेक्टर जब तक होल्ड करता अपना एजी। तो चार टाइप के डायरेक्टर, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल। बोलो बोलो, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल। एक चीज देखिए बच्चों, मोदी ने दिखा अंकित भैया, एडिशनल में क्या लिखा? बीओडी। ऑल्टरनेट में क्या लिखा? बीओडी। पर कैजुअल में क्या लिखा? बी आर इन बीएम। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं किया अभी भी कंपनी लॉ अच्छे से, उसको एक बात बता देता हूं बच्चों, रेजोल्यूशन ना दो तरीका से पास होता है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, एक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तुम घर में बैठे रहो, कुछ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपना डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद उसका कॉपी ना डायरेक्टर्स को दे देंगे, बाकी डायरेक्टर्स अप्रूव करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कि हम लोग अपने डायरेक्टर्स को, इसके ऊपर अलग सेक्शन है, चिंता मत करो पढ़ाएंगे, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो यहां पे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन या बी आर इन बीएम दोनों कर सकते हैं, यहां पर भी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन या बी आर इन बीएम दोनों कर सकता है, पर यहां सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, मतलब फिजिकली मीटिंग होना चाहिए, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा। भैया एकदम समझ में आ गया ना अच्छे से, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी। आज बच्चों हम बीच में सिर्फ एक टाइप का डायरेक्टर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बड़ा हो जा रहा है वीडियो का, स्मॉल से होल्डर डायरेक्टर। वेट कीजिएगा ट्यूजडे को, सेकेंड पार्ट आएगा डायरेक्टर का। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास। क्लास अच्छा लगा होगा बच्चों, शेयर जरूर करना और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।